हर घोड़ा उसके मालिक के लिए बेस्ट होता है। अच्छा, घोड़ा तांगे में चलता है ना, उसका मालिक भी असली हॉर्स लवर है। अच्छा, ब्रीडिंग का क्या चार्जेज वगैरह? कोई चार्जेज नहीं है ब्रीडिंग का। आपको पहले भी मैंने बताया था कि सिर्फ घोड़ी पसंद आनी चाहिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, क्या हाल है सर? ठीक है सर। और बताइए सर, के बारे में बताइए। ये वही घोड़ा जिसका हमने पहले इंटरव्यू दिया था, हिडाल्गो नाम है इसका। हिडाल्गो है सर इसका नाम, है ना? अच्छा, अच्छा घोड़ा है, राइडिंग के लिए बेस्ट है। क्या सर बताइए सर, वो डिटेल सर थोड़ी, और जो नए हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके उनको थोड़ी जानकारी हो जाएगी सर। ये इससे पहले 350 किलोमीटर की राइड कंप्लीट की है इसने। जी सर। तो अभी जल्दी पदमपुर सिटी में राइड करने वाले, सिटी राइड रहेगी। जी सर। 15 से 20 घोड़े आने वाले हैं। अच्छा, अभी नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं बच्चों को राइडिंग की तरफ लेके जाने का सिस्टम। जी सर। जी सर, और क्या इसकी और रही है सर? अभी ओवरऑल अच्छे हैं जी, कुछ घोड़ियाँ भी इससे मेटिंग करवाई हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा इसका। अच्छा अच्छा, तो ये कौन सी लाइन का है सर, ये बताएंगे सर? सर फूल माल लाइन का बता रहे हैं, उनसे लिया है उनसे, बाकी कंफर्म नहीं है अभी, क्या बताएं। अच्छा अच्छा, तो इसके तो मार्किंग भी हो रखी है सर, वो अभी ये 11 इसका मार्किंग नंबर है। अच्छा अच्छा, सर थोड़ा आपका परिचय हो जाए सर। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, फाजिल का जिला है, लखीवाल डाब गांव है, और सिर्फ हॉर्स लवर हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर उसके बारे में बताएं सर, क्यों आपको ये शौक लगा और क्या आपकी और हॉबी है सर? ये पूछते नहीं है सर, खून में चला रहा है। बाप दादा रखते थे उसके बाद हमने भी लगी सुनी। तो और कितने हैं सर आपके पास घोड़े? अभी 10 घोड़े सर अपने पास। अच्छा, तो आपकी नज़र में सर बेस्ट जो हॉर्स है वो कौन सा होता है सर? हर घोड़ा उसके मालिक के लिए बेस्ट होता है। अच्छा सर, कोई लाइन मायने नहीं रखती है, मायने रखता है कि आपका और उसका प्यार कितना है। जी सर, तो सर ये बात जो आपने बहुत अच्छी बताई है सर, और कोई भी ये बात जैसे ये सोच नहीं रखता सर अधिकतर, जैसे आपने जो अभी सोच रखी है और आपकी जो सोच है ना सर, हर घोड़ा मालिक को रखना चाहिए सर। इसमें ये है ना कि एक जो घोड़ा तांगे में चलता है ना, उसका मालिक भी असली हॉर्स लवर है। जी सर। तो और एक घोड़ा अगर एसी में खड़ा है ना, उसका मालिक भी उसको अगर प्यार नहीं करता है ना, अगर अकेला बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो वो कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन हर घोड़ा हर आदमी के लिए जो उसका मालिक है उसके लिए परफेक्ट है, चाहे लोग उसको जितना मर्जी बुरा बता दें, उसके लिए जो मायने वो घोड़ा रखता है ना, वो दूसरा घोड़ा नहीं ले सकता। दूसरा सर, ये जो घोड़ा घोड़ा का व्यवहार है और मालिक का व्यवहार है, उससे कितना फ़र्क पड़ता है सर ये आप? उसमें देखने वाली याद कि आपका और घोड़े की ट्यूनिंग कितनी मिलती है। यहाँ अभी आपने देखा वो कुछ घोड़े को लोग पीटते भी हैं, तो वो उनके उनका ट्यूनिंग नहीं मिलती है, बस टॉप नहीं, बॉय 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 नहीं नहीं गुड 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 वेरी गुड बॉय स्टॉप। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहेंगे सर आपके? अच्छा, ब्रीडिंग का क्या चार्जेज वगैरह? कोई चार्जेज नहीं है ब्रीडिंग, कोई चार्ज। आपको पहले भी मैंने बताया था कि सिर्फ घोड़ी पसंद आनी चाहिए, अपना वो काम नहीं है कि अपना, इससे तो कोई सिस्टम चल नहीं रहा है, ये तो एक बस सर अपना ये शौक है अपना। ये क्या घोड़ों के प्रति आपका प्रेम है सर? जैसे ये सोच भी नहीं रखता और ये जो भावना है ये भी नहीं रखता सर। मैंने पिछली बार वीडियो डाला था, उसमें अच्छे बहुत अच्छे कमेंट आए सर, और बहुत पसंद किया सर आपके घोड़े को, और आपके जो व्यवहार है वो काफ़ी पसंद किया है सर जो व्यूवर्स। बहुत बढ़िया बात है सर, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हमसे उतनी ज़्यादा हमारी
अगर अगर आप ये कहते हो कि लोग बुरे हैं तो बुराई भी अपने से शुरू होनी है और अच्छाई भी अपने से शुरू होनी है, तो एक शुरुआत हमारी तरफ से भी है। अच्छा, और घोड़े जो हॉर्स लवर है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? कोई संदेश नहीं है सर, जो उनके पास घोड़ा ना वो दुनिया का सबसे बेस्ट घोड़ा है जो जिसके पास है, और वो उसी से प्यार करें, ज़्यादा उल्टे सदे के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहेंगे सर आपके? 7277444404। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भैया।